आपको बताया था कि हम कुछ प्रिवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अलग से कोई प्लेलिस्ट उसके लिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ इसी के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो फेज है हिस्ट्री का उसमें से जो पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर वो हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है पांच क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे आज के लेक्चर में भी पांच क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ये हमारा अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स दिस इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि इसमें से सवाल काफी सारे इंस्पायर होते हैं और बनकर के आते हैं ठीक है इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये एंड फ्री मॉक टेस्ट जरूर देना दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है अभी पहला फ्री मॉक टेस्ट डल चुका है सेकेंड फ्री मॉक टेस्ट विद इन अ फ्यू डेज डल जाएगा ठीक है तो मॉक टेस्ट जितने भी होंगे वो सब देंगे पहले मॉक टेस्ट के साथ हम एक ऑफर के साथ आए थे दो अब वो ऑफर एक्सपायर हो चुका है अब जब सेकेंड मॉक टेस्ट आएगा उसके साथ भी कोई ना कोई ऑफर लेकर के आएंगे आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कंसीडर द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन इंडियन एजुकेशन ठीक है एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के तो वो अच्छे से करना है आपने ज्यादातर क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में है वो आप देखोगे एजुकेशन रिफॉर्म रिलेटेड ही है ठीक है तो आ, एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बता दूं कि एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे पूरे का पूरा थ्योरी का नॉट एमसी तो जो भी एजुकेशन uh, रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया के अंदर इसके ऊपर एक अलग से थ्योरी uh, लेक्चर जो है वो आएगा जिसके अंदर हम क्रोनोलॉजी के साथ पूरे का पूरा जो एजुकेशन रिफॉर्म हुआ है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड उसको हम समझेंगे ठीक है तो वो एक लेक्चर अलग से uh, रहेगा हाल फिलहाल ये क्वेश्चन देखो इसमें आपको ना क्रोनोलॉजी बताना है तो बेसिकली हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा एडम्स रिपोर्ट वुड्स डिस्पैच तो अक्रेंस के हिसाब से आपने क्रोनोलॉजी बताना है कि कब क्या जैसे हिंदू कॉलेज कब बना या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कब आया एडम्स रिपोर्ट कब आई वुड्स डिस्पैच कब हुआ उसके हिसाब से ऑप्शन टू वन फोर थ्री टू थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर वन एग्जाम जैसे एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि वो आपको इस तरीके से क्रोनोलॉजी के अंदर दे वो आपसे डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन कब हुआ था या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा या एडम्स रिपोर्ट कब आया सो so, हाल फिलहाल यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए वन थ्री फोर टू सबसे पहले आपका हिंदू कॉलेज आया उसके बाद आपका एडम्स रिपोर्ट आता है देन इज योर वुड्स डिस्पैच एंड फाइनली आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का फाउंडेशन हुआ डिटेल थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं तो देखो जी जो हिंदू कॉलेज था इसकी फाउंडेशन करी थी डेविड हेयर ने डेविड हेयर को सपोर्ट था राम मोहन रॉय का बिकॉज राम मोहन रॉय हिमसेल्फ अ बिलीवर इन मॉडर्न एजुकेशन एंड दैट इज वाई उन्होंने डेविड हेयर के एफर्ट्स को सपोर्ट किया फॉर द फाउंडेशन ऑफ हिंदू कॉलेज और 1817 में इसकी फाउंडेशन हो गई ठीक है अट्ठारह में इसकी फाउंडेशन हुई डेविड हेयर का नाम भी आप याद रखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा आया आपका एटीन में गाइस उसके बाद 1835-38 थर्टी एट 36-38 बेसिकली 1835 टू 38 में विलियम एडम्स को काम दिया गया था तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की थी वर्नेकुलर एजुकेशन पे बंगाल और बिहार में और इस रिपोर्ट में विलियम एडम्स ने बेसिकली वर्नेकुलर एजुकेशन के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको हाईलाइट किया फाइनली 1854 में चार्ल्स वुड ने एक आ, रिपोर्ट प्रिपेयर किया जिसको चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशनल सिस्टम कहा जाता है इसको मैग्ना काट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है एंड दिस डॉक्यूमेंट वाज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पहली बार कॉम्प्रीहेंसिवली किसी प्लान ने कवर किया कि कैसे एजुकेशन को हिंदुस्तान में स्प्रेड करना है अच्छा क्वेश्चन वो इस तरीके से भी पूछ लेते हैं दट विच इज नोन एज मैग्ना काट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया नीचे वो चार आपको दे देगा भाई सार्जेंट प्लान है चार्ल्स वुड डिस्पैच है वो आपको दे देगा विलियम uh, एडम्स रिपोर्ट दे देगा हंटर कमीशन रिपोर्ट दे देगा आपको पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से मैग्ना कार्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कंसीडर किया जाता है तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है देखो जितनी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसमें से एटलीस्ट कुछ मत छोड़ना मैं आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को फिल्टर करके लेकर के आ रहा हूं ओके क्वेश्चन नंबर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल रिटर्न ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल रिटन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन नाइन सिक्स में क्वेश्चन आया था लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीआरटी में इस बुक का रेफरेंस है ठीक है एनसीआरटी में सिर्फ और सिर्फ नाम गिवन है इस किताब का और इस किताब के ऑथर का नाम गिवन है सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइड इज ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी मेनली मेरा ये क्वेश्चन आपको कवर कराने का रीजन क्या है कि आप इस किताब के बारे में आपको पता चल जाए दुर्गेश नंदी हाफ ऑफ नाइन सेंचुरी में लिखी गई थी और इसके ऑथर कौन है इसका नाम याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी एटीन सिक्सटी टू से सिक्सटी फोर के अंदर लिखी थी बांग्ला लैंग्वेज के अंदर यूपीएससी कई बार लैंग्वेज के ऊपर भी सवाल पूछ लेता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी तो दुर्गेश नंदिनी रिटर्न बाय बंकिम चंद्र चटर्जी 1862 से 64 के बीच में इन बांग्ला सोल मोटिव मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन देना था इस क्वेश्चन के थ्रू ठीक है इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चैटर्जी एटीन सिक्सटी टू टू सिक्सटी फोर बांग्ला थर्ड क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद विद्रेशन ऑफ थग्स ठीक है तो थग्स की प्रॉब्लम एक मूवी आई थी इंडिया के अंदर वो मूवी ज्यादा चली नहीं बिकॉज उसके अंदर थोड़ा सा हिस्टोरिकली उन्होंने हेयर फेयर कर दिया था बट एक्चुअली में जो प्रॉब्लम ब्रिटिश सरकार को करनी Bentick, तो फेस करनी पड़ रही थी इन द टाइम्स ऑफ विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल थे स्पेशली तो ठग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही थी सरकार को एंड उसके सप्रेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा पर्सन एसोसिएटेड है ये सवाल है जनरल हेनरी कैप्टन स्लीमैन एलेक्सेंडर ब्योर्स कैप्टन रॉबर्ट पिम्बरटन ये क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया दिस इज नॉट द क्वेश्चन की जो सिर्फ सिविल सर्विसेज में पूछा गया और भी टाइम टू टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया एंड द राइट आंसर ओवर हियर गाइस इज ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन कैप्टन स्लीमैन ये कैप्टन स्लीमैन साहब की uh, खूबसूरत तस्वीर है ऑलराइट सो विलियम बेंटिक

और इन्हीं के रिग्रेस uh, ऑपरेशंस की वजह से अराउंड 1400 हंड्रेड ठग्स को कैप्चर किया गया और फांसी की सजा दी गई एंड ये एक रीजन था जिससे ठगरी इंडिया में काफी हद तक सप्रेस हुई ओके फोर्थ क्वेश्चन अगेन एजुकेशन रिलेटेड है ये भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है देखो अब इसके अंदर वुड्स एजुकेशन डिस्पैच वुड्स एजुकेशन डिस्पैच तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 1854 आप एक क्वेश्चन में समझ चुके हो देख रहे हो है ना सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा है कि नहीं पूछा अगला आ गया मेकोलिज माइन्यूट ऑन एजुकेशन सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट इंडियन एजुकेशन जिसको हंटर कमीशन भी बोला जाता है तो आपको इसको अगेन क्रोनोलॉजी के अंदर अरेंज करना है सो so इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए टू वन फोर थ्री सबसे पहले आ गया आपका मेकोलिक उसके बाद आ गया आपका वुड्स डिस्पैच उसके बाद आएगा आपका इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जिसको हम बोलते हैं एंड फाइनली आपका सार्जेंट प्लान ठीक है जी सो दीज आर दस जो यहाँ पर आपको गिवन है लेटमी जस्ट इरेज द इंक ऑन द स्लाइड सो एन फिफ्टी फोर में आया आपका वुड्स एजुकेशन डिस्पैच था 1835 में सार्जेंट प्लान 1914 में इंडियन एजुकेशन 1882-83 में ये मैं अभी डिटेल में इसीलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ मैंने यहाँ पर इयर्स हाईलाइट किए हैं क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा जो आपका इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स का एक पूरा लेक्चर हम क्रिएट करेंगे ताकि वो अच्छे से आपका कवर हो जाए ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 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 पे आ लास्ट फिफ्थ जो है again, है अगेन ये मैच फॉलोइंग का एक तरफ आपको कुछ रिवोल्ट सारे सारे थे रीजनल रिवोल्ट थे तो साथ में एरिया गिवन है जहां पर ये रिवोल्ट अकर मूवमेंट एंड बिरसा मुंडा रिवोल्ट तो इसमें आपका क्या आंसर होगा इसके अंदर देखो सबसे पहले तो आपका जो मोपला रिवोल्ट है वो आएगा केरला के अंदर ठीक है एलिमिनेट करने का भी देखो तरीका पता होना चाहिए ए का वन है अब अगर ए का वन है तो मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं हो सकता ठीक है मेरे पास सिर्फ ये बचा अब ए का वन अगर है तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो उसके बाद कोई आप एलिमिनेट नहीं कर सकते और हाँ अगर ए का आपका नहीं ठीक है ए का वन हो गया उसके बाद पाबना रिवोल्ट एका मूवमेंट और बिरसा मुंडा रिवोल्ट रिवोल्ट पाबना जो है वो आपका बंगाल का है तो बी का हो गया थ्री बी का अगर थ्री हो गया तो अगेन देखो ए का वन यहां पर बी का टू है तो सी भी नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली मेरा आंसर ए होना चाहिए इस केस में ऑटोमेटिकली मेरा आंसर ए होना चाहिए अब मुझे अगर एका मूवमेंट या बिरसा मुंडा रिवोल्ट नहीं भी पता तब भी मेरा आंसर ही हो जाएगा ठीक है सिमिलरली देखो अगर मेरे को ये पता हो कि यार एक मूवमेंट कहां पर है अगर मेरे को ये पता है कि यार मूवमेंट जो है वो अवध अवध वाले रीजन के अंदर हुई है। है? रीजन के के अंदर अंदर हुई हुई है 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 ठीक तो मैं कह दूंगा C का फोर अगर मैं बोल दूंगा तो सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ठीक है सी और डी ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए तो ए और बी में दोनों में बी का थ्री है तो मेरे को यह भी पता चल गया कि बी का थ्री होने ही वाला नेसेसरीली ठीक है उसके बाद बस मुझे एक और पता होना चाहिए मुपला या बिरसा मुंडा रिवोल्ट में से और मेरा आंसर हो जाएगा तो एलिमिनेशन राउंड इस टाइप के क्वेश्चन में काफी ज्यादा हेल्प करता है ठीक है तो हाल फिलहाल ये आपका आंसर जो है ए ऑप्शन रहेगा जिसमें आपका मुपला हो गया केरला में पबना हो गया बंगाल में एका मूवमेंट हो गया अवध में बिरसा मूवमेंट हो गया बिहार में ये बिहार क्यों लिखा हुआ है ऑप्शन में क्योंकि ये 1997 का क्वेश्चन है उस टाइम तक ना आपका झारखंड का स्टेट बना नहीं था ठीक है अगर आज की डेट में ये क्वेश्चन आएगा ना तो यहां पर झारखंड लिखा होगा ठीक है क्योंकि रांची वाला जो रीजन है जो बेसिकली झारखंड की कैपिटल है वहां पर ये बिरसा मुंडा रिवॉल्ट हुआ था बट बिकॉज ये क्वेश्चन पुराना है इसीलिए यहां पर ऑप्शन में बिहार लिखा हुआ है सो so, मोपला प्राइसिंग एटीन 1854 अगर क्रोनोलॉजी भी पूछी जाए तो पता होनी चाहिए केरला के मालाबार रीजन में हुआ था और रीजन क्या था जो रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज कर दिया गया था और किसानों के फील्ड साइज को छोटा कर दिया गया था उसके लिए रिवोल्ट हुआ था अपराइजिंग ये भी एक एग्रीकल्चरल रिवोल्ट था प्रेजेंट रिवोल्ट था जिसमें शाह चंद्र रॉय शंबू पाल खुदी मोला ये लीड में थे बीसी सी चैटर्जी और आरसी दत्त जैसी पर्सनालिटीज़ ने भी इसको सपोर्ट किया था ईस्ट बंगाल रीजन में हुआ था बेसिकली अब तो बांग्लादेश में आता है और इसके अंदर बेसिकली जमींदारों की जो पॉलिसी थी कि भाई वो जो थे लैंड के उनसे उनके अधिकार छीन रहे थे उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट हुआ था ठीक है तो क्रोनोलॉजी के अंदर ध्यान में रखना है ओके okay? 1873 में हुआ तो क्रोनोलॉजी में ये नंबर टू पर आएगा उसके बाद जी नाइनटीन के अंदर आपका एका मूवमेंट हुआ यूनाइटेड प्रोविंसेस के हरदोई भारेज और सीतापुर वाले रीजन uh, के अंदर जिसको हम अवध वाला रीजन बोल रहे हैं बेसिकली तो ये आपका 1921 है और 1899 से 1900 तक जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया बिरसा मुंडा के अंदर ठीक है तो ये बेसिकली थर्ड नंबर पे आना चाहिए क्रोनोलॉजी में और ये फोर्थ नंबर पे तो क्रोनोलॉजी भी याद रखना इवेंट्स के क्रोनोलॉजी के ऊपर यूपीएससी बहुत सारे सवाल पूछता ऑल राइट right. सो दिस इज इट गाइज दीज आर द फाइव क्वेश्चन फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दैट were टू बी discussed इन दिस लेक्चर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिली जाएगा लिंक ओके एंड कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम करें व्हाट्सएप करें मेल करें कमेंट करके जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें टेक केयर एंड बाय